हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, द डायगनल्स ऑफ रॉम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन है आपके पास में कि रॉम्बस जो है उसकी डायगनल्स आपको गिवन है और आपको एरिया फाइंड करना है। तो सिंपली इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रॉम्बस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रॉम्बस होता है, वो क्या होता है। तो एरिया ऑफ रॉम्बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एरिया ऑफ रॉम्बस पता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ रॉम्बस होता है हमारा हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू, सिंपल, हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू। इससे आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, जो आपको डायगनल से उसका प्रोडक्ट करना है और उसका हाफ कर देना है, बस उससे आपका क्या निकल जाएगा, रॉम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, रॉम्बस कैसा होता है, शेप बनाते हैं रॉम्बस। तो रॉम्बस शेप इस तरीके का होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा रॉम्बस में और हमारा जो स्क्वायर होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस होता है, देखो रॉम्बस और स्क्वायर की अगर हम सिमिलरिटीज देखें तो रॉम्बस और स्क्वायर में भी, स्क्वायर में भी आपकी क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, और रॉम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। लेकिन रॉम्बस में क्या होता है, आपकी जो डायगनल्स होती है ना वो डिफरेंट होती है, और स्क्वायर में क्या होता है, आपकी डायगनल्स जो होती है वो इक्वेलेंट होती है। ये डिफरेंस होता है, क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है। जो स्क्वायर होगा वहां पर आपकी डायगनल्स क्या होगी, सेम होगी, और जो रॉम्बस होगा यहां पर डायगनल्स जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो मैं इसकी डायगनल्स बना देता हूं, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर एंड रॉम्बस, ये तो अपने को पता है। तो मैं सबसे पहली बात तो यहां पर अपन डायगनल्स को मैच कर लेते हैं, यहां पर डायगनल्स बना देते हैं, ठीक है। और जो इसकी डायगनल्स होती है ना वो इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, ये बात ध्यान रखना, परपेंडिकुलर होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो डायगनल है, ये वाली डायगनल और ये वाली डायगनल, तो डायगनल कितनी है रॉम्बस के अंदर, दो डायगनल्स होती है। तो डायगनल्स जो आपको गिवन है, एक डायगनल आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, मान के चलो ये वाली गिवन है 7.5, ठीक है, और ये वाली डायगनल्स है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो जो रॉम्बस का एरिया निकालना है आपको, तो रॉम्बस का एरिया सिंपल होता है हाफ मल्टीप्लीकेशन में डायगनल वन मल्टीप्लाइड डायगनल टू, क्लियर है। बस यहां पर डायगनल वन और डायगनल टू की वैल्यू को पुट करना है और एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल, क्लियर है। चलो तो अपन करते हैं, तो जो गिवन है लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन आपको समझा दिया फिगर बनाकर कि ये कह रहा है आपको, ठीक है। तो गिवन क्या है आपके पास में, डायगनल गिवन है आपको, डी वन आपको गिवन है, डी वन कितनी दी हुई है आपको 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और डी टू गिवन है, डी टू कितना दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, डी मीन्स डायगनल, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। अब हमें पता है, क्या पता है, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रॉम्बस जो होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी नो डैट एरिया ऑफ रॉम्बस, एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लीकेशन में डायगनल वन इंटू डायगनल टू। तो यहां पर पुट कर लेते हैं हम, हाफ इंटू डी वन कितना गिवन है आपको 7.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लीकेशन में डी टू कितना गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर। पॉइंट रिड्यूस करेंगे, पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है मतलब 10 आएगा। अब इसे रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 75 इंटू अगर हम 6 करें तो कितना आता है, देखो 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 5 जा 30, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45, मतलब 450 आएगा, कितना आएगा 450। और नीचे क्या है हमारे पास में 10 है, और यहाँ पर सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 0 कट हम कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, इसका एरिया आएगा। तो इसका एरिया आ चुका है हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैंस हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पर, हैंस एरिया ऑफ रॉम्बस इज, एरिया ऑफ रॉम्बस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए बस एरिया ऑफ रॉम्बस, और चीज़ें आपको दी हुई है, डायगनल वन और डायगनल टू दी हुई है, तो बस पुट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं था, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।